हाउस बनाया हुआ है वहाँ पर शिफ्ट करने का कार्य करेंगे। शनिवार को वन विभाग कर्मचारियों ने एक बैठक का आयोजन किया। महम रोड स्थित वन विभाग कार्यालय में आयोजित इस बैठक में अपनी लंबित मांगों पर विचार विमर्श किया गया और आगामी 8 जनवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल को अपना पूर्ण समर्थन देने की बात इन कर्मचारियों ने कही। महम रोड स्थित वन विभाग कार्यालय में सर्व कर्मचारी संघ पदाधिकारियों की अध्यक्षता में 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में 8 जनवरी को होने वाली राष्ट्रव्यापी हड़ताल के भाग लेने का भी समर्थन किया गया। वहीं वन विभाग के कर्मचारियों के जिला प्रधान हंसराज ने बताया कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, 7वें वेतन आयोग को लागू किया जाए, इन्हीं सब मांगों के लिए वो सम्मेलन कर रहे हैं। आज हमारा वन कर्मचारी संघ भाईचारा यहाँ इकट्ठा हुआ है। हमारा जो है सम्मेलन चल रहा है और इसमें हड़ताल है, उसमें वन कर्मचारी संघ और ये सभी ट्रेड यूनियनों के मिलकर ये जो है मतलब 8 जनवरी को बढ़ चढ़ के ना हम जो है ना उसको काफ़ी हिस्सा लेंगे। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है ये झूठी गवर्नमेंट है, इसने जो है कर्मचारियों की कोई मांग नहीं मानी है, ना पंजाब के समान वेतन दिया है और पुरानी पेंशन की जो मांग है ये MP MLA अपनी है ना पेंशन को भत्ते को बढ़ा देते हैं। जो कर्मचारी भाई 35 साल 30 साल सर्विस करके चला जाता है, एक सिर्फ वो ही एक ऐसा विंग है उसकी पेंशन नहीं है और सभी की पेंशन है। ये हमारे कर्मचारी भाइयों में रोष है, ये जाती है और जो है ना काफ़ी है ना मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। वाणी जिले का 2 वर्षीय जिला सम्मेलन हो रहा है, इसमें जो कर्मचारियों की तमाम मांगों को लेकर जो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर 8 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, उसमें मेन मुद्दे पंजाब के समान वेतन मान दिया जाए, पुरानी पेंशन स्कीम को दोबारा से बहाल किया जाए, श्रम नियम जो बिल पास किया है जो 44 नियमों को संशोधन करके जो 4 कोड में पारित किया है उनको रद्द किया जाए और न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर प्रदेश का लाखों कर्मचारी 8 जनवरी को हड़ताल पर होगा। नगर के हनुमानगढ़ क्षेत्र